हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल रियल इलेक्ट्रिक में। तो दिख रहा होगा दोस्तों आपको, बैरिंग में लिया हूँ हाथ में। तो मैं कल आपको बताया था कि मेरी अगले नेक्स्ट दिन बैरिंग पुलर पे वीडियो आने वाली है। तो आज मैं आपको, ये दिख रहा होगा 6201 नंबर बैरिंग है, लगता कहाँ है, सीलिंग फैन के नीचे वाला, मतलब बैरिंग होता है तली में लगता है, और ऊपरी कवर में अपना 6202 नंबर बैरिंग लगता है। तो दोस्तों मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि कम से कम खर्च में, मतलब कि पिछली वीडियो में मैं एक वीडियो और बना चुका हूँ इसके पहले, तो उस वीडियो में मैं बताया था कि कुछ खर्च आएगा, लेकिन इस वीडियो में आप अगर एक दुकानदार हैं चाहे इसका काम कर रहे हैं, तो आपको मतलब कहीं से सामान भी ढूंढना नहीं पड़ेगा, वो सामान भी आपके पास मिल जाएगा, और आप मतलब कि बिना खर्च के आप आराम से अपने ही तुरंत तत्काल बना लेंगे। आपको ये मोमबत्ती उमबत्ती के मतलब जुगाड़ से आपको नहीं निकालना पड़ेगा और परेशानी भी नहीं होगी। मात्र आपको बैरिंग एक मिनट के अंदर, मतलब कि आपका बैरिंग निकल जाएगा। तो मैं दिखा देना चाहता हूँ, देखिए एक मेरे पास पड़ा है पिछले साल का। अभी तो ठंडियों का सीज़न चल रहा है दोस्तों, तो सीलिंग फैन बनने तो आ नहीं रहा है, तो एक मेरे पास पड़ा था, मतलब कि गर्मी के सीज़न का है, अभी ठंडियों का सीज़न चला है, ऐसे ही बना नहीं अभी तक रखा है, इसकी बाइंडिंग ही नहीं हो पाई है। तो क्या होता है, ज़्यादा हम बाइंडिंग करके मतलब पंखा अपने पास रखेंगे तो ऐसे ही रखे रखे, मतलब कि आदमी नहीं ले जाता है, तो पूरा रखा ही साल बीत जाता है, फिर अगले गर्मी में आएगा। तो ऐसे ही बाडी पड़ी थी, तो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये ऊपर अपना 6202 नंबर बैरिंग लगा होता है। तो दिक्कत है, इसको निकालने में नहीं होती है दोस्तों, ये आप किसी शाफ्ट उफ्ट से, ऐसे आप कोई भी शाफ्ट लेकर, जैसे कि शाफ्ट कोई भी लेकर यहाँ से आप चोट मार के हैमर की मदद से आप इसको खसका के निकाल सकते हैं। लेकिन दिक्कत कब आती है दोस्तों, जब ये वाला बैरिंग देख सकते हैं दोस्तों, ये वाला बैरिंग अपना ये बॉडी में बिल्कुल मतलब फिक्स होता है, और ये बहुत टाइट भी मतलब रहता है किसी किसी पंखे में, तो निकलने को तो बहुत परेशानी से सही में दोस्तों निकलता है। तो क्या होता है कि भाई, इसमें क्या होता है कि एक चीज़ और रहता है दोस्तों, कि लोग बोलते हैं कि इसके नीचे जगह नहीं रहेगा तो ये निकलेगा नहीं। मेरा कहना है कि देखिए, जब ये इसके नीचे जगह अगर कंपनी नहीं देगी और बैरिंग पूरा नीचे तली में फिक्स रहेगा, तो आप कोई भी पुलर लगाएंगे तो पुलर कहाँ से बनने लगेगा ही नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं होता है। कंपनी ने ज़रूर इसके नीचे कुछ ना कुछ लगा के, या थोड़ा गैपिंग, बॉडी की ही गैपिंग उठा के थोड़ा सा रखता है कि बैरिंग में आपका पुलर आसानी से फंस जाए। उतना गैप नहीं रखेगा दोस्तों, तो फिर बैरिंग कैसे निकलेगा भाई। कुछ लोग बोलते हैं एकदम तली में भी सटा रहता है, ऐसा नहीं होता है। आप क्या करते हैं कि उस जो लगा होता है वाशर, अगर लगा रहेगा तो आप वाशर को भी निकाल के फेंक देंगे, ऐसे डायरेक्ट बैरिंग ठोक देंगे, तो ऐसा होता है, ज़मीन पे चला जाएगा। तो ऐसा न कीजिए, इसमें जो लगा रहता है, जैसे लगा रहता है वैसे फिक्स। तो दोस्तों मैं अब वीडियो की बात कर रहा हूँ दोस्तों, इसमें अब चलिए वीडियो को अब शुरू कर लेते हैं। तो दोस्तों इसमें करना क्या होता है दोस्तों, आपको एक चाहिए 1.5 इंच ऊंचा, मतलब कि 1 से 1.5 इंच ऊंचा पाइप, और वो पाइप कितना होना चाहिए, एक आपको, या आप अपने दुकान में अगर पड़ा हो पुराना धुराना, या कहीं रहता है दोस्तों वो पंखे में भी पाइप अपना रहता है, तो उसमें से या तो कट कर लीजिए, नहीं तो आप कबाड़ बाड़ की दुकान से या कहीं से भी आपको एक ले लेना है दोस्तों। देखिए इसके ओवर साइज, ये बैरिंग के जो कवर ऊपर का, ये कवर के बाहरी साइज का, मतलब कि एकदम इसमें घुस जाना चाहिए उतने का, और ऊंचाई में आपका 1 से 1.5 इंच, 2 इंच तक रख सकते हैं, ज़्यादा ऊंचा मत रखिए, 1.5 इंच तक रखिए, उसको ले लेना है। तो दोस्तों मेरे पास अभी फ़िलहाल में पाइप नहीं है, तो मैं आपको बता रहा हूँ बस, लेकिन पाइप की जगह मैं इस्तेमाल करने वाला हूँ दोस्तों। देखिए एक मोटर का ये पड़ा हुआ था, ये होता है EMTA, एक क्या होता है मोटर के टॉप पे देख सकते हैं दोस्तों, टॉप पे ये अपना प्लम्बर के पाइपिंग के काम में आता है, तो ऐसे ही पड़ा था। ये बहुत हार्ड मजबूत मटेरियल होता है, इतना कमज़ोर नहीं होता है।
तो पड़ा था, तो मैं इसका इस्तेमाल करके आप लोगों को दिखाने वाला हूँ कि इसी से आप इससे मत निकालिए, आप पाइप का इस्तेमाल कीजिए। मान लीजिए इस ये ख़रीदने जाएंगे तो फिर मतलब क्या है, पैसा लगेगा जूठी में। इतना लंबा आप देख सकते हैं दोस्तों, तकरीबन ये एक इंची ये लंबाई होगी, डेढ़ इंची से मतलब डेढ़ इंची के लगभग मान लीजिए है। तो आपको ज़्यादा लंबा भी ज़्यादा छोटा भी नहीं लेना है, इतना चाहिए। अब नाप इसकी चौड़ाई की तो एक इंच कह के आता है, एक इंच साइज है ये MTA का। तो इसमें अब कैसे पता चलेगा कि इससे निकल जाएगा, तो देखिए दोस्तों इसमें आप जब डालेंगे तो ऐसे पाइप आपका जैसे ये चाहे पाइप ऐसे बॉडी में फिक्स हो जाना चाहिए। मैं एक बार दिखा देता हूँ, देख सकते हैं दोस्तों, ये आपको दिख रहा होगा 62-0 एक नंबर वायरिंग है। अभी मैं इसको डालता हूँ तो देख सकते हैं ये बिल्कुल आराम से देख सकते हैं फिक्स हो जा रहा है। इतने का मतलब चौड़ा आपको रखना है, तो इसमें एक कर लेना है आपको फिक्स, पाइप को फिक्स कर लेना है। इसके बाद ज़्यादा कुछ सामान नहीं चाहिए, वो सामान आपके पास भी मिल जाएगा। तो उसमें क्या है कि वो सामान क्या क्या है अभी मैं दिखा देना चाहता हूँ, और दिखा देता हूँ। ये फराटा के देख सकते हैं अपने पास पड़े होते हैं, पुराने स्टड फराटा के तो ये पड़े रहते हैं। अब इनसे ही आपको इस्तेमाल करके आपको बैरिंग निकाल लेना है। तो इसमें क्या करना होता है दोस्तों, देख सकते हैं एक फुल साइज में भी आता है फराटा, जो छोटे वाले फराटा होते हैं दो पत्ती तीन पत्ती पतले जो एल्युमिनियम के ब्लेड में आते हैं उनमें लगा होता है। फुल चूड़ी मिल जाए तो फुल चूड़ी, नहीं तो आप ऐसे कीजिए कि इससे भी आप कोशिश करेंगे तो इससे भी निकल जाएगा। इस थोड़ा इसका घुंडी जो होता है कि चिकना होता है, छोटा होता है, और इसका देख सकते हैं दोस्तों थोड़ा बड़ा होता है इसका घुंडी, और एक कोरीदार थोड़ा होता है। तो इसी से निकालेंगे, ये फुल साइज है। अब फ़ायदा क्या है इससे निकालने में, देख सकते हैं यहाँ थ्रेड इतना नहीं रहता है। अब थ्रेड नहीं रहता है तो इसको नीचे मतलब कसने में आपको यहाँ फिर वाशर का इस्तेमाल ज़्यादा करना पड़ेगा। तो अगर इसको इस्तेमाल करते हैं दोस्तों तो वाशर का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना पड़ेगा। तो करना कर लेना क्या है दोस्तों, इसको कर लेना है एक काम, देख सकते हैं ये तो आपको पता ही होगा कि ये अंदर जाएगा तो इसमें फिक्स हो जाएगा। तो देखिए अभी फिक्स हो जाएगा लेकिन निकलेगा, ऐसे आप उठाएंगे तो निकलने लगेगा। इसके लिए एक काम करना पड़ेगा, देख सकते हैं दोस्तों ये होता है अपना यही पाइप में जो पाइप में कसने वाला जो क्लैंप में, ये सीलिंग फैन का पाइप का ही क्लैंप है, क्लैंप का नट है नट बोल्ट। तो इसका नट निकाल लेना है और इसमें ऐसे डाल देना है कि जैसे ये फिक्स हो जाए, हिले डुले ना, और थोड़ा एकदम साइज का लगा के रखिए कि मतलब कि ऐसे डालें तो एकदम मतलब फिक्स हो जाए टाइट पूरा, ऐसा ना रहे कि ढीला पतला नट डाल दें और ढीला रहे, ऐसा नहीं करना है, बिल्कुल फिक्स कर लेना है। तो अभी ये मैं इससे ही आपको निकाल के दिखाता हूँ। अभी देख सकते हैं दोस्तों ये बिल्कुल फिक्स हो गया है। बैरिंग की बात करूँ तो मैं देखिए दोस्तों, बोलते हैं लोग कि ये पूरा लूज बैरिंग होगा, ऐसा कुछ नहीं होता है दोस्तों। अभी ये रखा था पंखा और मैं दिखा देना चाहता हूँ इसका बैरिंग, काफ़ी देख सकते हैं ये उठाने से भी हिलडुल नहीं रहा है, पूरा मतलब कि टाइट है, अभी देख सकते हैं दोस्तों। उसके बाद मैं अब इसमें पहले बोल्ट को ही फिक्स कर लेते हैं, तो देखिए एकदम टाइट ऐसे आपको फिक्स हो जाना चाहिए, फिक्स हो गया है। अब फिक्स करने के बाद दोस्तों देख सकते हैं, फिक्स करने के बाद ऐसे आपका टाइट हो जाएगा पूरा बोल्ट, और जो कोरी होता है एक साइड बैरिंग के घुस जाएगा, थोड़ा ऐसे आप कर सकते हैं, बैठा सकते हैं और अच्छे से, और इसको इसी में फिक्स कर दीजिए। अब कुछ बन के ऐसे हो जाएगा। अब इसके इसके ऊपर एक एक कवर के मतलब साइज का वाशर, ऐसे एक वाशर डाल दीजिए। अभी थोड़ा इसका होल चौड़ा है तो एक थोड़ा ऊपर से पतला वाशर, और तीन नट ले लीजिए, दो तीन नट आप रखिए, तीन नट। अभी एक नट क्या कीजिए कि इसको धीरे धीरे ले जाइए, हिलाना डुलाना नहीं है, और हिलाना डुलाना नहीं, एकदम आराम से इसको नीचे पहले एक आठ नंबर साइज से, आठ नंबर साइज होता है तो आठ नंबर साइज से इसको सीधा करके बिल्कुल ही हिले डुले ना,
सीधा करके इसको टाइट, थोड़ा थोड़ा टाइट कीजिए ताकि ये लगे कि फंस गया है। अभी फंसाना है तो अंदाजना पड़ेगा आपको फंसा है कि नहीं सही से। जब लगे कि ये फंस चुका है, अभी ये दोस्तों फंसा नहीं है अच्छे से, एक बार दो बार ट्राई करेंगे तो निकल जाएगा तुरंत। नहीं फंसा तो है, फंसा है दोस्तों। मैं बस चेक करने के लिए निकाला कि कहीं मतलब कि स्लिप ना हो रहा हो। बिल्कुल फंसा है, अब फंसा है तो अब इसको कर लेते हैं टाइट। अब टाइट करते जाएंगे, जहाँ तक टाइट होगा यही से अगर निकल जाएगा तो इसी से निकल जाएगा, नहीं निकलेगा तो देखिए बोल्ट अब क्या होगा कि नाचने लगेगा, ऐसे ऐसे घूमने लगेगा। तो इसके लिए क्या कीजिए, एक ऊपर नट लगा लीजिए और दोस्तों एक नीचे लगा लीजिए। थोड़ा मेहनत करना पड़ता है दोस्तों कुछ है नया चीज़ करने में हम लोगों को भी, और टाइम भी लगता है दोस्तों। तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत पड़ती है दोस्तों। तो एक काम कीजिए, एक जब ये दो नट लॉक हो जाए, देख सकते हैं थोड़ा एक को पकड़ के एक को टाइट कर देना, लॉक हो जाएगा। और ऊपर वाले नट को पकड़ के धीरे धीरे नीचे वाले नट को बहुत हल्के हल्के टाइट कीजिए, मतलब कि ज़बरदस्ती नहीं, क्योंकि थोड़ा पतला है बोल्ट तो ज़बरदस्ती एक ही बार में खींचेंगे तो मिस भी हो सकता है, इसका थ्रेड कट जाएगा। बहुत आराम आराम से निकालिए, कोई जल्दीबाजी नहीं है, थोड़ा वेट कीजिए। मान लीजिए वो निकलेगा, आराम से निकल जाएगा, ऐसा कोई बात नहीं है कि नहीं निकलेगा। तो आपके सामने देखिए निकाल रहे हैं धीरे धीरे। अब मुझे लग रहा है कि ये अब निकल ही रहा है, क्योंकि जब ये बोल्ट आपका टाइट जाएगा नीचे वाला तो समझ लीजिए कि आपका बैरिंग ऊपर आएगा, ज़रूर आएगा। अभी अंधेरे में है, मान लीजिए दिख तो नहीं रहा है क्या रहा है कि नहीं, लेकिन आ जाता है एकदम, बिल्कुल कोशिश करेंगे एकदम बाहर आ जाएगा। और इसमें आपको मतलब कि ज़्यादा सामान उमान की ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही आप आराम से निकाल लेंगे। कितना हो भी टाइट बैरिंग होगा ऐसे आपका निकल जाएगा दोस्तों, आराम से निकल जाएगा। भाई कुछ लोग कमेंट करते हैं कि नहीं निकलेगा ऐसे बहुत टाइट होता है, तो ऐसा कुछ नहीं होता दोस्तों, कोशिश करेंगे तो सब कुछ मुमकिन है। आपके सामने निकाले हैं, देखिए तो कितना धीरे धीरे टाइट किए हैं, देख सकते हैं दोस्तों। अभी भी इसमें नट आपको दिख रहा होगा फंसा हुआ, और बैरिंग देख सकते हैं एकदम आसानी से, देखते हैं एकदम धीरे धीरे निकल गया। और जो मैं गैपिंग की बात कर रहा था तो देखिए आपको दिख रहा होगा भी ए पी वी सी का एक मतलब लगा हुआ वाशर, तो ऐसा कंपनी करती है, थोड़ा गैप रखती है वाशर लगाने के लिए, और देखिए निकल गया। तो वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा दोस्तों, और कुछ भी पूछना हो तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। और चलिए दोस्तों, फिर हम मिलते हैं अगले दिन फिर किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए ये वीडियो देखने के लिए दोस्तों धन्यवाद, जय हिंद।